हेलो स्टूडेंट्स हाय वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन की जो कि आपके आने वाला है ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके टीजीटी पीजीटी पी जी टी ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जाम्स जो है आ जाएंगी उनकी वैकेंसीज आ जाएंगी तो जिस दिन भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप बिना कोचिंग के अपने एग्जाम्स में जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है टी का और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का होम साइंस में उसमें आप किस तरीके से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं उसके लिए आपको कौन कौन सी क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए आज हम उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी सारे बच्चों ने कहा भी है कि मैम किस तरीके से तैयार करें कहाँ से हम स्टार्टिंग करें तो यही सब बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं स्टूडेंट्स तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि घर पर बैठ करके आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की बिना किसी कोचिंग के बिना टाइम को वेस्ट करते हुए बिना ज्यादा मनी को वेस्ट करते हुए आप कैसे आराम से घर पर बैठ कर प्रिपरेशन कर सकते हैं आज हम उसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो आ जाती है आपकी अवेयरनेस की क्या अवेयरनेस कि आपको आपके सब्जेक्ट का प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं जिसमें भी हम यहाँ होम साइंस की बात कर रहे हैं तो आपको होम साइंस की आपको पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट की क्या अवेयरनेस होनी चाहिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसके सिलेबस की आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप टीजेडी के हैं स्टूडेंट तो क्या सिलेबस है पी के स्टूडेंट हैं तो क्या सिलेबस है ये अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए प्लस आपके अंदर एक ये जागरूकता होनी चाहिए कि आपका एग्जाम है तो आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है ठीक है उसके लिए कहीं से भी कैसे भी करके आपको थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ेगा टाइम देना पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए सेकेंड हम बात करते हैं टारगेट की आपका टारगेट है अगर पीजीटी और पीजीटी आपने बना रखा है किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं वो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए आपका एक टारगेट होना चाहिए एक गोल होना चाहिए कि मुझे ये एग्जाम आप बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं कम वैकेंसीज होती हैं लेकिन आप हमेशा देखते हैं कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं इतना कंपटीशन है तो आपका आपके सब्जेक्ट के ऊपर फुल फोकस होना चाहिए फुल आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो आपका आपके सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए आप उसको एकदम मतलब बहुत डीपली और बहुत सीरियसली लेकर के पढ़ाई करें जो कि बच्चे नहीं करते हैं कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब बिल्कुल नोटिफिकेशन आ जाता है एग्जाम्स बिल्कुल फॉर्म भर दिया डेट आ गई है सिर पर एग्ज़ाम आ गया है तब आप जो है आपकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जो कि गलत है आपको डेली थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए डेली टाइम निकाल के अपने सिलेबस को देखना चाहिए अपने सब्जेक्ट को डेली थोड़ा टाइम देना चाहिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं एकदम से जब आता है आपके एग्जाम तब स्टार्ट कर देते हैं और कई बार स्टूडेंट मुझसे कहते हैं है, मैम टीजीटी की तैयारी करवाइए आप जो भी अगर होम साइंस के मेरे चैनल पर आए हैं तो जो भी वीडियो आप देख रहे हैं वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ही है चाहे वो टीजीटी का स्टूडेंट हो चाहे वो पीजीटी का स्टूडेंट हो चाहे वो नेट का स्टूडेंट हो होम साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इतनी सारी वीडियोस पढ़ी हुई हैं आप उनको देखिए आप उनको पढ़िए आप उन्हें समझिए कोई प्रॉब्लम्स है आप कमेंट से सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप अपना जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं ले कहीं से भी मैं ज़रूरी नहीं आपसे कहूँगी कि आप मेरे ही चैनल पर आए हैं तो मेरे ही चैनल से पढ़िए आप कहीं से भी जहाँ से भी पढ़ना पसंद करते हैं वहाँ से स्टडी को स्टार्ट कीजिए ठीक है ना आप इस दिन का इंतजार मत कीजिए कि इस दिन नोटिफिकेशन आएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ना या स्टार्ट करूंगी पढ़ना और तब जो है फिर मैं एग्जाम दूंगी तो वहां पर क्या होता है इतना सिलेबस है इतना ब्रॉड सिलेबस है आपका जो कि आपको कंप्लीट करने में फिर क्या हो जाती है प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है ना तो क्योंकि आपको आपके सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको आपके टॉपिक की डीप नॉलेज होनी चाहिए कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बन जाए आप उसको आसानी से कर सके तो ये कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है जो आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए और बिना किसी परेशानी के आसानी से घर पर बैठ के कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है डेली क्लास वही बात है चाहे आप दस मिनट की क्लास लीजिए पंद्रह मिनट की क्लास लीजिए या खुद भी सेल्फ स्टडी यहां पर मैं मानती हूँ सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ी जो है आपकी अचीवमेंट की आप समझ लीजिए सीढ़ी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी किसी भी चीज के ऊपर आप पूरी तरीके से कोई बुक्स के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर चैनल के ऊपर या पर्टिकुलर किसी भी चीज के ऊपर आप बिल्कुल भी मतलब कहना चाहिए निर्भर मत हो जाइए आप खुद से पढ़िए सिलेबस आपके पास है आप हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं इन सब चीजों का आप उनका यूज करिए जरूरी भी है करना क्योंकि आपके पास कोचिंग नहीं है ऐसा समय इस तरीके की सिचुएशन हो रखी है इतना कोरोना की प्रॉब्लम हो रखी है कि आप कोचिंग नहीं ले सकते हैं बाहर नहीं जा सकते हैं किसी के पास मनी प्रॉब्लम भी होती है वो कोचिंग नहीं ले सकता तो आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स जो भी आपके पास मटीरियल है पढ़ने के लिए नोट्स बनाइए खुद के नोट्स से अच्छा कोई बुक नहीं होता बहुत सारे बच्चे मुझसे बुक्स के लिए पूछते हैं मैम बुक्स बता दीजिए बुक्स बता दीजिए देखिए कोई भी आप बुक मार्केट में लेने जाते हैं टू हंड्रेड टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड से कम की कोई बुक क्या आती है कोई भी बुक नहीं आती है और कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो आपको सारी की सारी नॉलेज आपकी सिलेबस की दे सके ऐसी कोई भी किताब होम साइंस की नहीं है मार्केट के अंदर क्योंकि होम साइंस के अंदर आप टेक्सटाइल फूड्स न्यूट्रिशन हाउस होल्ड मैनेजमेंट बिहेवियल मैनेजमेंट चाइल्ड पैडागोजी चाइल्ड साइकोलॉजी साइकोलॉजी लाइफ स्पिन डेवलपमेंट इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं पता नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एक्सटेंशन एजुकेशन है तो वो सब आपको एक किताब में नहीं मिल सकता जिसके लिए आपको अलग अलग किताबें खरीदनी पड़ेंगी और बहुत सारा मनी आप वेस्ट कर देंगे तो जो भी आपके पास मैटर है जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं और जहां से भी आप सर्च कर सकते हैं जिस भी चैनल को आप प्रेफर करते हैं उस चैनल से आप अगर आप मेरे चैनल को प्रेफर करते हैं तो मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं डेली आप क्लास लीजिए जो भी मैं पढ़ा रही हूं उसको भी आप डेली ध्यान से देखिए और डेली डोज एक जरूर लीजिए और अगर आपने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत हार्ड एग्जाम होने वाला है आप ये मत समझिएगा कि बहुत इजी एग्जाम होगा आप बिना पढ़े एक महीने के अंदर एग्जाम क्रैक कर लेंगे इतना कंपटीशन है इतना स्टूडेंट जो है अप्लाई करेगा वहां पर अपनी एक सीट को रिजर्व करना है अगर आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है टाइम टेबल एक मेंटेन कीजिए कोई भी टाइम एक ऐसा टाइम अपने लिए अरेंज कीजिए अपने खुद के लिए अपनी खुद की सेल्फ के लिए अरेंज कीजिए कि ये टाइम पर मुझे पढ़ना ही है चाहे वो आपका दिन का टाइम हो चाहे वो आपका इवनिंग का टाइम हो चाहे वो आपके नाइट का टाइम हो कोई भी टाइम जो आपको सूटेबल हो आपको सूट करता हो वो टाइम आप अपने लिए अरेंज कीजिए चाहे वो फिफ्टीन मिनट्स हो चाहे वो हाफ एन आवर हो वन आवर हो उसको आप निकालिए अपने लिए और एक टाइम टेबल मैनेज कीजिए अपना सिलेबस देखिए और एक एक यूनिट को एक टाइम टेबल में कि मुझे ये वन वीक में खत्म करना है ये टू वीक्स में खत्म करना है उस तरीके से उसको आप करते चलिए ताकि लास्ट टाइम पर आप उसको ईजिली रिवाइज कर सकें ओके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको देखिए नहीं तो मैंने प्लेलिस्ट में पीजीटी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई जिस है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए हैं तो उसका रिवीजन कीजिए आपके पास अगर वो बुक अवेलेबल है तो लेख लीजिए नहीं तो नेट से आप सर्च कर सकते हैं आपको इजीली वहां पर मिल जाएंगे तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है किस तरीके से पूछा गया है कितनी टाइप्स से पूछा गया है उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप सेल्फ के ऊपर अपने ऊपर जो है विश्वास कीजिए कॉन्फिडेंट रखिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए आज से ही स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जो एग्जाम होगा वैकेंसीज आएंगी फॉर्म पड़ेंगे कम वैकेंसीज होती हैं आपने खुद ने देखा है कितने सारे लोग उसमें अप्लाई करते हैं ठीक है और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए प्रीवियस ईयर को करना स्टार्ट कर दीजिए आप जो भी आपके हैं एग्जाम अगर आप इससे पहले भी टीजीटी पीजीटी अटैम्प्ट कर चुके हैं तो वो पेपर आप दोबारा सॉल्व कीजिए कहाँ आपसे लूप होल्स रह गए थे कहाँ आपसे कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश कीजिए कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व करने के लिए बताइए सॉल्यूशन निकालिए ठीक है इतना काम आप खुद से कीजिए और डेफिनेटली आप अपने लिए टीजीटी पीजीटी क्लियर करने में ये सारे पॉइंट्स आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए स्टूडेंट्स क्लासेस की बात है अगर आप कह रहे हैं तो टी जी टी पीजीटी की क्लासेस के लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन आएगा और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको भी आप डेली फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन मिनट्स की एक वीडियो होती है आप देख सकते हैं और देखिए और उसको रिवाइज कीजिए कोई टॉपिक ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ाया है आपको पढ़ना है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पी नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं तो जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं उस तरीके से आप कीजिए अपने टाइम को मैनेज कीजिए अपनी मनी को मैनेज कीजिए और किसी भी तरीके की टेंशन प्रॉब्लम या कोई कहना चाहिए मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और जिन्होंने भी प्रीवियसली पेपर दिया है डीजीटी पीजीटी का वो अच्छे से समझते हैं पेपर का पैटर्न भी आप समझते हैं तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स तो चलिए बस आज की वीडियो में यही बात करनी थी कि जो आपका टारगेट है टी जी टी पी जी टी ट्वेंटी ट्वेंटी में अगर फॉर्म आपके आ जाते हैं ये जो महामारी से सिचुएशन जैसे ही ठीक होगी एकदम से फॉर्म आएंगे अप्लाई होगा एग्ज़ाम्स की डेट भी आएगी तो उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर लीजिए इस टाइम के लिए मत बैठिए आप कि आप जो हैं जब एग्ज़ाम आएगा जब फॉर्म आ जाएगा तब हम जो हैं पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और जिनके पास कोचिंग नहीं है वो भी बिल्कुल परेशान ना हो वो आराम से मेरे चैनल पर आ सकते हैं और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं या जहां से भी आपको पढ़ने का मन करता है आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई स्टार्ट कीजिए मेन है मुद्दा कि आपको अपनी सेल्फ स्टडी को स्टार्ट कर देना चाहिए ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी जो स्टडीज है उसको स्टार्ट करिए कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और प्ले लिस्ट जा करके के जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके प्ले लिस्ट में जो भी टॉपिक आपको देखना है वो आप देख सकते हैं और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है मैं खुद जो हूँ डेली एक आपके लिए पीजीटी के अलग और टीजीटी जी टी की अलग क्लास स्टार्ट करने ही वाली हूँ सो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए अपना ध्यान रखिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय